जैनब के पापा मेरी बात सुने। दुआ के पापा नहीं कह सकती, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। जैनब के पापा दुआ को रोके। बेगम कोई बात नहीं, अभी खेल कूद के आ जाएगी, आप परेशान मत हो। अरे ये क्या, चिड़िया की तो चोट लगी हुई है, मैं इसके पट्टी कर देती हूँ। दुआ पट्टी कर देती है तो चिड़िया बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। चिड़िया तुम बोल सकती हो? हाँ मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। सच्ची? हाँ हाँ तुम कुछ भी मांग सकती हो। चलो फिर कुछ ऐसा करो कि मामा बस दुआ के पापा बोले, जैनब के पापा ना बोला करे। कुछ देर बाद दुआ घर चली जाती है। दुआ के पापा कहाँ हैं? इसे ले आए। दुआ बहुत खुश होती। मामा आप तो जैनब के पापा कहती थी। मैं क्यों जैनब के पापा कहूँ, मेरी एक ही बेटी है दुआ, और तुम मुझे मामा क्यों कह रही हो? जैनब रोने लग जाती है। बेगम तुम ये क्या कह रही हो? हाँ सच तो कह रही हूँ। तभी दुआ हंसने लग जाती है और बाहर चिड़िया के पास चली जाती है, कहती वाह वाह चिड़िया, वाह वाह चिड़िया, मामा तो अब दुआ के पापा कहती है। फिर अरशद साहब देख लेते हैं। दुआ ये तो कितनी बुरी बात है, जैनब आपकी वजह से रो रही है। तो पापा जी मैं क्या करूं, मम्मा भी तो सारा दिन जैनब के पापा कहती रहती है, मुझे भी बुरा लगता है। बेटा जैनब बड़ी बेटी बड़ी है, इसलिए बेगम जैनब के पापा कहती है। अच्छा पापा जी फिर तो मैं छोटी हूँ तो मम्मा भी दुआ के पापा नहीं कह सकती। दुआ मैं तुमसे नहीं जीत सकता, मैं हार गया तुम जीत। चलो दुआ बेटा चिड़िया से कहो मामा को ठीक कर दे, वरना अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। अच्छा पापा जी फिर मैं बस अल्लाह ताला के लिए मम्मा को ठीक करवा रही हूँ। जी बेटा चिड़िया। चिड़िया तुम मम्मा को ठीक कर दो। ठीक है पापा, ये हुई ना अच्छी बात। तुम तो बड़ा कह रही थी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। बेगम बस कर जाए। लौट के बुड्ढू घर को आए।